गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड एजुकेशन परसेंटाइल क्लासेस के YouTube चैनल पे सुपर थ्योरी सीरीज का 19 वीडियो है, ज्योमेट्री का थर्ड नंबर का वीडियो है। ठीक, तो अभी तक आपने आपको पता ही होगा सुपर थ्योरी सीरीज द कलेक्शन ऑफ 30 वीडियो, जिसमें हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, और आपको मैं आपको शेयर कर लेता हूं ये है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19th वीडियो, जो कि ज्योमेट्री का मेजरेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड वीडियो रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज हमें ध्यान रखने की, ये वीडियो देखने के पहले आपको अपनी कोचिंग क्लास के आपके मेंटर्स के पूरे नोट्स और शीट्स रिवाइज करनी है, उसके बाद इस सीरीज पे ना, इस सीरीज को देखने के बाद फिर फाइनल टेस्ट देने के लिए आपको देखना है वोल्टेज गोल, जिसमें हम आईपीएम इंदौर के 2019-2021 एंड जेआईपी मेट 2021 तक का, क्योंकि अभी तक यही पेपर अवेलेबल है, नेक्स्ट टेस्ट को अपडेट करेंगे अपन, तो आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टेस्ट दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे तो जरूर आई जाना, इसके पीडीएफ जो होते हैं इन सबके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर 300 की, प्लेलिस्ट है पूरी, पास्ट ईयर पेपर की प्लेलिस्ट है, आरसी की प्लेलिस्ट है। ठीक है, डेमो क्लासेस की, टॉपर इंटरव्यू, इसको देख सकते हो आप, और आत्मनिर्भर कोर्स जरूर वेबसाइट पे ज्वाइन कर, इट्स अ फ्री कोर्स, इसमें सारे वीडियो का एक साथ कलेक्शन है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्योंकि हम आईएम्स की बात करते हैं, आईएम्स के लिए एमपी लेवल का कैट एग्जाम होता है, तो इंडिया में एप्टीट्यूड का जो सबसे टफ एग्जाम है दैट इज कॉल्ड कैट, उस कैट के एग्जाम्स पेपर होते हैं, उनसे ये क्वेश्चंस लिए गए, और ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि भाई इजी होता है ज्योमेट्री, अगर कंसेप्ट बेस से कर लोगे तो इजी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो भाई कैट में ही पिछले 12 साल में 3-4 बार आ चुका है। एन एंट इज एट कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल रूम, क्यूबिकल रूम है, ठीक, रूम बना लेते हैं, दिस क्यूबिकल रूम, द एंट इज एट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल रूम, कॉर्नर फार्थेस्ट कॉर्नर क्या हो जाएगा, तो मतलब अगर आप इस पे हैं तो सामने वाले कॉर्नर पे, तो बेसिकली हम बोलते हैं जो हम स्पेस डायगनल बनाते हैं, तो डायगनल बनाते हैं वो अलग डिस्टेंस जाएगा, बट क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एंट कैन नॉट फ्लाई, अगर एंट फ्लाई के पाती उसका आंसर कितना होता, ए रूट थ्री, दैट इज द लेंथ ऑफ डायगनल, जस्ट जो लार्जेस्ट पेंसिल या कह सकते हैं कि कोई भी रॉड एक रूम में आ सकती है। ठीक, तो ए रूट थ्री हम इसका आंसर देते, बट द एंट कैन नॉट फ्लाई मतलब एंट को यहाँ पे सर्फेस पे होते हुए एरिया को मूव करते हुए जाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस से करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। पिछली क्लास में, पिछले वाले इसके जस्ट 18 नंबर का वीडियो था, उसमें मैंने आपको एक स्पाइरल वाला क्वेश्चन कराया था, याद है कि भाई एक ऐसे घूमते हुए जा रहा है एंड ऐसे कुछ क्वेश्चन था, हमने उसको सिलेंडर को कट करके देखा था तो वो एक रेक्टेंगल बन गया था। उसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं कि इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस तक जाना है हमको। ठीक, अगर मैं इसको ओपन कर लू, ए बी सी डी ई F, G, H. अब आप देखना है क्या बनेगा, तो बड़ा आसान कोई आंसर है इसका, अदरवाइज डिफरेंशियल से बड़ा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है A, B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, A, B, C, D, E, F, G, H और वापस A भी रहेगा, 1, 2, 3, 4 फिर से लग रहा है, क्योंकि मैं 2D बनाया है इसलिए ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो वी आर एट पॉइंट बी एंड फ्रॉम द ऑन द फेस ओनली वी हैव टू मूव टू ई, मैंने ई ऊपर आएगा यस, और एफ नीचे आएगा, हमको किस पॉइंट तक पहुंचना है, हमको ई पॉइंट तक पहुंचना है, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से फॉलो करते हुए जाएगा ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया। अब दिस इज ए, दिस इज ए, तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये भी ए हो गया, तो अगर हम देखें तो इसका ये ए बाई टू और ए बाई टू मिड से होता हुआ जाएगा, और आप बताओ ना, एक ट्राइंगल बना दिया मैंने आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक साइड टू ए है, एक साइड ए है, एक साइड टू ए, एक साइड ए, इसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 2a² + a² मतलब 4a² + a² मतलब 5a² √5, तो आंसर इज ए रूट फाइव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आप समझ रहे हैं ना कि अपन जब ज्योमेट्री कर रहे हैं, ज्योमेट्री तो हाई लेवल कंसेप्ट बेस्ड ज्योमेट्री है। ठीक, अगर आप इसने ओपन कर लिया तो आसान क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसको क्लिक नहीं कर पाए तो इसे टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो दिस इज नॉट आईआईटी टाइप एग्जामिनेशन, ये एप्टीट्यूड के एग्जाम्स है, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड के सबसे टफ एग्जाम जो होते हैं उसके क्वेश्चन की ज्योमेट्री। ठीक, तो ध्यान रखना ए रूट फाइव इज द आंसर। ओके सर, जैसे अपन ने स्पायर वाला किया था पिछली क्लास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Let S be the set of all points in the xy plane such that mod x plus mod y is less than equals to 2. यार अब mod x plus mod y का ग्राफ तो मैं होप आपको आना चाहिए।
क्या होता है, ये स्क्वायर का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ होता है? एक स्क्वायर ग्राफ होता है। ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई इज इक्वल्स टू सी। ये ग्राफ वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाया उसको ग्राफ कर लेना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा 19 में भी आ चुका है। इसका एरिया क्या होता है, इस पूरे ग्राफ के बारे में आप समझ लीजिएगा। और बात करते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू टू। इट्स अ ग्राफ ऑफ अ स्क्वायर, इट्स अ ग्राफ ऑफ अ स्क्वायर विथ सेंटर विथ मिड पॉइंट एट सेंटर। इसका सेंटर ऑफकोर्स हमारा ओरिजिन रहेगा, विथ सेंटर एज ओरिजिन, ठीक है, और डायगोनल्स एट एक्स एज एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ऐसा बनता है, ये तो पता ही होना चाहिए, सबसे वेल नोन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ऐसा बनेगा, दिस इज मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू टू, तो दिस इज टू कॉमा जीरो लिखा मैंने, दिस इज जीरो कॉमा टू, इट्स माइनस टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस टू। ठीक, ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू टू, अंदर का ग्राफ, इसमें अंदर का एरिया, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू टू बोला अंदर का एरिया, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ इज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन वन, भाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब यहाँ पे क्या ग्राफ आएगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा मॉड एक्स, यहाँ कहीं वन देख लो आप, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन वन, मतलब ये ग्राफ यहाँ भी mod x is greater than 1, mod x तो 1 minus 2 2 हो जाएगा, तो 1 से बड़ा होगा, तो बेसिकली आपको ये वाला एरिया निकालना है। ऑफ कोर्स दोनों एरिया इक्वल ही होंगे, थोड़ा सा मैं आप उधर चला गया, मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, वरना आपको लगे देखने में लाइक दिस, ठीक है, ये वाला एरिया। अब बेसिकली हमें ये पॉइंट मिल जाए, तो ये पॉइंट हमारे पास है, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये दो पॉइंट क्या होंगे, तो आप x इज इक्वल टू वन रखोगे, मॉड x ये मैक्सिमम बात करो, x इज इक्वल टू वन रखोगे, आप वन रखते हो व्हेन x इज इक्वल टू वन, तो मैं मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू टू, में x इज मॉड x इज इक्वल टू वन रखता हूं, ठीक, तो मॉड y कितना हो जाएगा वन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, मतलब ये पॉइंट जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा वन कॉमा वन, दिस इज, मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अब ये क्या रहेगा वन कॉमा वन, एंड दिस इज माइनस वन कॉमा माइनस, सॉरी वन कॉमा माइनस वन, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू टू, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा हो गया, दिस इज टू, ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स वन लाइन है तो वन रहेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू वन, एंड इनटू मुझे टू करना पड़ेगा, वन इसका एरिया, वन इसका एरिया, मतलब वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू, टू इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर The vertex of a triangle are 0,0, 4,0, 3,9. The area of the circle passing through these three points. इन पॉइंट से सर्कल है वो पास करेगा, मतलब सर्कम सर्कल जो बनेगा 0,0, इट्स 4,0 एंड द पॉइंट इज 3,9। तो सर्कम रेडियस से रिलेटेड हमारे पास ट्राइंगल का एक ही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आर मिल जाएगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब आर कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें इस सर्कल को सॉल्व करना है, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, दिस इज 4, अगर ये हाइट में निकालता हूं तो हाइट कितनी आएगी, दिस विल कम अराउंड अराउंड 9, हाफ 4 इंटू 9। अब लेंथ निकाल लो, दिस इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4, ये लेंथ कितना निकल जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 90, अंडर रूट 90, निकालना आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये लेंथ कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 82, अंडर रूट 80 अपॉन 4। चलो कैंसिल करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, अब ये मैं इसको 9 बाय 2 लिखता हूं, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना यहां से 9 बाहर निकला तो 3 आ गया, यहां से रूट 2 बाहर निकल जाएगा,
82 में से भी रूट टू बाहर निकलेगा, मतलब मैं टू लिख सकता हूँ, तो ये रूट फाइव बचेगा एंड रूट 41 डिवाइड बाय 4 आर, टू 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 कैंसिल, थ्री थ्री दिस इज थ्री, सो आर विल कम अंडर 5 into 41, 205 अपॉन थ्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब अंडर रूट का 205 मतलब 205 पाई डिवाइड बाय 9। तो अच्छा क्वेश्चन था फॉर्मूला में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 6 4 -3 5 2 -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो वर्टेक्स ऑफ ऑल द थ्री वर्टेक्स इन द रेशियो 2:1। भाई 2:1 मीडियन को डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा होता है? इट्स अ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इनडायरेक्टली पूछा है आपसे, क्योंकि फॉर्मूला सेंट्रोइड का बड़ा आसान होता है। क्या होता है? सम ऑफ थ्री पॉइंट्स डिवाइड बाय थ्री। सो क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू आएगी सेंट्रोइड की 6 -3 + 2 डिवाइड बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू 6 + 2 = 8, 5/3, और वाई का वैल्यू कितना आएगा, 4 + 5 - 4 डिवाइड बाय थ्री, अगेन 5/3। तो 5/3, 5/3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। आसान है ना? चलिए अगले प्रश्न करते हैं। तो आप सबसे टफ क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं क्या बोलूँ, कैट के क्वेश्चंस लिए मैंने एप्टीट्यूड का सबसे टफ पेपर जो तो आईएमएस के लिए होता है, आपको सीधे ट्रस्ट दिलाने के लिए, ज्योमेट्री स्कोरिंग है और इजी है। If the length of the diagonal DFAGE of a cube shown in the adjoining figure are equal to three sides of a triangle, मतलब length, अब diagonal अगर side A है, तो diagonal की length कितनी होती है? Diagonal की length होती है a√3। अब तो अपन को याद हो गया होगा, अपन क्लास में कब से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इन वीडियोस में। अब ये जो diagonal है, इसके कारण तीन एक triangle बना तीन side से, जिसकी side की length इस diagonal के ही बराबर है, मतलब a√3। समझ गया? अब इस साइड को सर्कमस्क्राइब कर, सर्कल इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल है, उसका रेडियस निकालना है, इसका मुझे कैपिटल आर निकालना है। सबसे पहले दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इन सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके बराबर होता है? होता है साइड डिवाइड बाय थ्री। अब साइड कितना है? साइड तो a√3 है, सो a√3 डिवाइड बाय √3 That is equals to a। तो सर्कम रेडियस, जो रेडियस आया है वो साइड ऑफ द क्यूब ही आया है, मतलब ऑप्शन ए फॉर एप्पल होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर a, a+1, a+1, a+2, ए भाई इसका फॉर्मूला है, ठीक है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। बट मुझे ये कोऑर्डिनेट्स बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये दो मैच कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो जाता है जब कोऑर्डिनेट्स मैच करते हैं ना, मतलब एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, दिस इज ए कॉमा ए, दिस इज ए प्लस टू, तो ये कहीं ना कहीं मुझे कोऑर्डिनेट्स अच्छे लगे इसके, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ पे ए प्लस वन आएगा, तो आप समझो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा बनेगा, तो व्हाट इज द बेस, द लेंथ ऑफ बेस प्लस टू, हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट में क्या हो रहा है, अब हाइट कैसे निकालोगे, ये वाली लाइन जो हो जाएगी, हाइट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, सो आप ए से ए प्लस वन बन गए, तो समझते हो ना इतना, ये वन आएगा, ए से आप ए प्लस वन कर गए, हाइट कितना आएगा, वन आएगा, तो हाइट इज वन, तो एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज इक्वल्स टू वन। अब देखो डिपेंड ये करता है कि आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका कैसे है, तो ग्राफिकली एनालिसिस कर लोगे तो उसका आंसर जल्दी जाएगा, अदरवाइज यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब पंचिंग, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, ये मैंने सॉल्यूशन के लिए बनाया हुआ, ठीक है। पंचिंग मशीन यूज टू पंच अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 2 यूनिट्स, ठीक है, भाई इस सर्कल का रेडियस 1 है, डायमीटर 2 है, ठीक है। स्क्वायर शीट ऑफ एल्यूमिनियम विद 2, अब ये शीट है, इसका भी जो साइड है वो 2 है, डायमीटर 2 साइड 2, द होल इज पंच सच दैट अ सर्कुलर होल टचेस वन कॉर्नर पी ऑफ द स्क्वायर शीट एंड द डायमीटर ऑफ होल ओरिजिनेट पी इज इन द लाइन,
डायगनल मतलब डायगनल के पैरेलल ही है, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है निशान है कहीं से भी आपने इसको घुमा दिया, जो इसका डायमीटर है वो डायगनल के पैरेलल है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर बना हुआ है। इस कारण हम ये डाउन कर पाए कि भाई ये रेडियस वन हो जाएगा। देखो आसान है, मतलब मैं डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं होता क्वेश्चन में। दिस इज ए मतलब वन एंड वन, डायमीटर टू है, यहाँ से भी टू रहेगा, ठीक। तो अब मुझे निकालना क्या है, द पोर्शन ऑफ द शीट ऑफ द एरिया डेट यू मेंट आफ्टर पंचिंग। भाई पंच क्या, सबसे पहले पोर्शन निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आपको रेशियो निकालना है प्रोपोर्शन का। टोटल एरिया कितना है शीट का, शीट का टोटल एरिया इज, टोटल एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 4 2 स्क्वायर, ठीक। अब कितना शेयर एरिया आपने कट किया, तो सबसे पहले देखो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ, बेस इज टू, 1 प्लस 1, एंड हाइट इज 1, दैट इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 1। इस सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई, रेडियस इज 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज पाई बाय 2। तो अगर मैं देखूं तो कितना पोर्शन अनकट रिमेन्स, कितना बचा हुआ है, बचा हुआ है टोटल पोर्शन 4 था, उसमें से मैंने 1 माइनस किया, उसमें से मैंने हाफ सर्कल भी माइनस कर दिया, और क्योंकि हमको प्रोपोर्शन निकालना है डिवाइड बाय 4, ये जाएगा 3 माइनस पाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, दैट इज 6 माइनस पाई बाय 8। मुझे लगता है क्वेश्चन आसान। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आउटसाइड द शीट है, मतलब ये वाला एरिया पूछा गया है, इसको निकालने का तरीका, ये एरिया निकालने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले द एरिया पार्ट ऑफ द सर्कल फॉलिंग आउटसाइड द स्क्वायर, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप हाफ सर्कल का एरिया निकाल दो, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 1 स्क्वायर, चलेगा। हाफ सर्कल का एरिया कितना हो गया पाई बाय 2 1 स्क्वायर। अब उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, माइनस हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज पाई बाय 2 माइनस। और आप देख रहे हो ये अपन बहुत जगह कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी अपन ने किया था, मतलब पिछली वीडियो में भी किया था कि ट्राइंगल बनता है तो अपन आगे का आर्क का एरिया माइनस करते हैं, ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं, सर्कल में से भी बनी रही निकालने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाई बाय 2 माइनस और टू साइड्स ऑफ प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया 32 24 गिवन है, इसका बीच का एंगल 90 है, ठीक है, वैसे ये क्वाड्रिलेटरल है। द अदर टू साइड्स आर 25 एंड अदर थ्री एंगल्स आर नॉट डाइगोनल्स, ठीक। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लॉट, अब पता नहीं हमने एक रैंडम डायग्राम, तो ये 90 है। सबसे पहले क्या करना, सिंपल है, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लो, 24 32, इट्स अ ट्रिपलेट, 3 4 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट कितना होता है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 32 40, 40 बन गया। अब यहाँ पे आप क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पे कट कर दो, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो दिस इज 25, ये 20 20 25 15 का राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे बने हुए हैं, हमको ये निकालना है, बड़े सिंपल। ट्रिपलेट का यूज किया मैं, डायरेक्ट आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो। पहला हो जाएगा हाफ 24 into 32, हाफ बेस इन टू हाइट, प्लस दूसरा हो जाएगा हाफ टोटल बेस, अगर मैं 40 ले लेता हूं और हाइट कितना है 50, दिस इज 300, कैंसिल हो गया, हाँ हो जाएगा 12 12 to 24, 4 2 12 to 36, दैट इज 684। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप बच्चे बोलते हैं सर कैट बहुत टफ होता है, कैट बहुत टफ होता है, आप कैट का पढ़ाते हो आईबीएम में इसी लेवल का, और कैट टफ नहीं होता, पढ़ने वाले के लिए टफ नहीं होता, देखो ना इतना हायर डेप्थ में थोड़ी है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर विद रेडियस 20 सेंटीमीटर, भाई एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, 4 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच, 4 सर्कल निकाल दिए आर कट आउट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनकट टू द कट पोर्शन। अनकट पोर्शन कौन सा हो जाएगा जिसको नहीं कटा गया, सबसे पहले टोटल एरिया होगा पाई 20 स्क्वायर माइनस रेशियो ऑफ अनकट, कटिंग का रेशियो कितना हो जाएगा, एक सर्कल छोटा जो है उसका एरिया पाई 5 स्क्वायर इनटू 4, क्योंकि 4 सर्कल्स है, डिवाइड बाय द कट पोर्शन, कट पोर्शन मतलब चारों सर्कल छोटे वाले,
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 400 माइनस 100 अपॉन 100, आई थिंक द रेशियो इज 3:2। तो अपना ज्योमेट्री के 3 कंप्लीट होते हैं। अब अगला वीडियो जो होगा आपको देखना है ओल्ड इज गोल्ड का, ठीक है। मैं वीडियो नंबर आपको बता देता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड का वीडियो नंबर 7 ज्योमेट्री का, जिसमें अब जो पास्ट ईयर में हमारे आईपी में क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कुछ पॉइंट हमसे छूट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।